हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, कहानी शुरू हुई थी दिशा शैलन और सुशांत सिंह राजपूत से। कहानी पहुंच गई एनसीबी के पास, ड्रग पेडलर्स पकड़े जा रहे थे, रिया का ड्रग एंगल खुल के आया, कंपनी के बारे में खुल के आया, अर्णव गोस्वामी के ऊपर टीआरपी केस चला, अर्णव गोस्वामी जेल गए, उसके बाद एंटीरियर बॉम्ब स्केयर केस आया, एनसीबी के केस लगातार चलते रहे, उसके बाद अनिल देशमुख जी पर आरोप लगे, परमबीर सिंह के ऊपर आरोप लगे, ये सब कुछ चलता रहा, यही सब बातें चलते रही। और दोस्तों, हम सुशांत केस को भूल गए। केस वहीं से स्टार्ट हुआ था और सुशांत केस का अता पता ही नहीं है। मनसुख हिरेन की हत्या बीच में हुई, संदीप नाहर ने सुसाइड, सो कॉल्ड सुसाइड किया, बहुत सारे लोगों ने सुसाइड किया, स्टीव पिंटो का पता नहीं चला। जितने भी लोग सुशांत केस में आते रहे, अपनी आवाज़ देते रहे, अपनी आवाज़ उठाते रहे, सबकी आवाज़ को किसी न किसी तरीके से दबा दिया गया और कोई भी सच सामने निकल के आज तक नहीं आया। और जो भी कोई बात करता है, बात घुमा दी जाती है। अभी जब भी न्यूज़ में चलता है सुशांत का केस, तो ये चलता है सुशांत केस में रिलेटेड ड्रग एंगल। दोस्तों, ये तो कभी केस ही नहीं था, सुशांत के केस रिलेटेड ड्रग एंगल। अब ड्रग एंगल एक अलग चीज़ है, जो ड्रग्स पकड़ी जा रही है बहुत अलग। ठीक है, एक दो बार हो गया, आप उसमें शिनाख्त कर रहे थे, एनसीबी शिनाख्त कर रही थी, पकड़ा जाना था, पर इसमें सुशांत के केस का अब लिंकेज कहाँ रहा। आप एक बड़े ड्रग पेडलर या ड्रग डीलर को पकड़ रहे हैं, ना कि आप ये पकड़ रहे हैं, ये पता लगा रहे हैं कि सुशांत की हत्या किसने की या सुशांत के साथ क्या हुआ उस रात को। क्वेश्चन इस बात का था दोस्तों, जवाब इस चीज तक का नहीं मिला है कि सुशांत का जो सुशांत की संदिग्ध हत्या थी वो 13 की रात को हुई या 14 की सुबह को हुई, ये भी नहीं पता। एग्जैक्ट टाइम ऑफ डेथ भी नहीं पता है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की एग्जैक्ट फाइंडिंग नहीं पता है, दिशा सैलियन की एग्जैक्ट टाइम ऑफ डेथ नहीं पता है, दिशा सैलियन की किस हालात में बॉडी थी वो भी नहीं पता है, उसके DVRs भी नहीं है, उसकी केस फाइल भी नहीं है। और बात कर रहे हैं हम लोग दोस्तों सचिन वाजे के एनकाउंटर्स, एंटीलिया केस, टेरर अटैक। ठीक है, सब चीज़ बहुत ज़रूरी है, बट अब एनफ इज़ एनफ, ये वाली बात हो गई है। आप सुशांत के केस को कोई क्यों नहीं बोल रहा है, कोई क्यों नहीं खोल रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। मैं जानता हूँ आप लोग भी मेरी तरह सोच रहे होंगे, आपका इस बारे में क्या कहना है, प्लीज़ मुझे बताइएगा। और हम कल से जो मैंने अपनी सीरीज़ स्टार्ट करी है, मैं उसी पर बात करूंगा, सुशांत के ऊपर ही ज़्यादा से ज़्यादा बात करूंगा, और देखते हैं कि इसमें क्या एंगल हम नया निकाल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।